मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है रुक्मणी राणा जो 28 साल की हैं और रुक्मणी एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट थी जब हमारे पास आई थी और 2 साल से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही थी। आइए रुक्मणी से जानते हैं उनकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग से अभी तक की जर्नी के बारे में। रुक्मणी, जब आपको पता लगा आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको कैसा लग रहा था? मैम, फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला तो मैं एलोपैथी डॉक्टर्स के पास गई, जैसे नेचुरल हम लोग जाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कंसीव करने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है नहा ना भी हो, 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, चांसेस हैं बट रेयर हैं। तो बहुत अजीब सा लगा, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। देन उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया फॉलिकुलर करा के देखो, फिर फॉलिकुलर वाले ने, जो रेडियोलॉजिस्ट था उसने मुझे बोला आप खामा का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा करो आप IVF के लिए जाओ। तो उससे तो मेरी सारी हिम्मत टूट गई थी कि शायद कभी होगा ही नहीं, क्या होगा कैसे होगा। फिर मेरी एक फ्रेंड थी दीपिका रावत, उसको था यहाँ पर ट्यूब ब्लॉकेज था, उसने आपके यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया था, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बार तू वहाँ जाके देख ले, अच्छा ट्रीट करते हैं। मैंने भी तीन महीने के बाद कंसीव कर लिया था, तो एक बार ट्राई कर ले क्या पता हो जाए तेरे साथ भी अच्छा। तो उस होप को लेके मैं यहाँ आई थी, और जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी ना, मेरे हस्बैंड को भी बहुत हाई होप्स हो गई थी कि नहीं भाई हो जाएगा, हम श्योर हैं आयुर्वेदा से हो जाएगा। जो काम एलोपैथी नहीं कर पाया वो काम आयुर्वेदिक ने करके दिखाया। क्या आपको यहाँ आके कभी ऐसा लगा कि एंडोमेट्रियोसिस है और मुझे कंसीव करने में दिक्कत होगी या नहीं होगा करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमेशा शुरू से लेके अभी तक ना बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट में है, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब रुक्मणी हमारे पास आई थी तो उनको एक सिंपल सा एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट था जो कि ऑलमोस्ट 2.8 to 3 centimeter का था, और आई टोल्ड हर कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ अगर आपके फॉलिकल्स अच्छे बन रहे हैं या हम उतने बनने में अचीव कर पाते हैं तो हमें कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनका ट्रीटमेंट चलाया एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल कि इनके एग्स अच्छे से डेवलप कर जाएं और इन्हें अच्छे से रप्चर हो जाए और हर बार जो फॉलिकल ग्रो करे वो एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में कन्वर्ट ना हो। आयुर्वेदा के साथ विदाउट डायनेजिस्ट विदाउट एनी हार्मोनल मेडिसिन ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये हम हमेशा हमारे एंडोमेट्रियोसिस के कंसीव पेशेंट्स को बताते हैं और बाकी पेशेंट्स को भी बताते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, विदाउट हार्मोन्स आप नेचुरल तरीके से विद एंडोमेट्रियोसिस भी कंसीव कर सकते हैं। रुक्मणी की सारे इन्वेस्टिगेशन कराई गई, एंडोमेट्रियोसिस का इफेक्ट अभी तक इनके ट्यूब्स पर नहीं गया था और इस वजह से नेचुरली कंसीव करने में इन्हें बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगा, और रुक्मणी आज ऑलमोस्ट 5 months कंसीव है, 5th month प्रेग्नेंट है और बेबी एकदम हेल्दी है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसा बोला जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस में अगर आपने कंसीव किया है तो आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल सपोर्ट इंजेक्शन सब लेना पड़ेगा। रुक्मणी से ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने कितने इंजेक्शन अभी तक लगवाए हैं और कितने हॉर्मोन्स खाए हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं, नॉर्मल जो किटेस इंजेक्शन लगते हैं वो लिए हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया कि इंजेक्शन लेने पड़े हो या बाहर से कोई सप्लीमेंट्स दवाइयाँ लेनी पड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों, 5 months की प्रेगनेंसी हुई विद एंडोमेट्रियोसिस हुई जो कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जैसा, 6 weeks की प्रेगनेंसी थी तब थोड़ी छोटी हो गई थी, 12 weeks के स्कैन में वो ऑलमोस्ट डिसॉल्व है, तो ऐसी कंडीशंस में एंडोमेट्रियोसिस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ही, और किसी हार्मोनल इंजेक्शन या फिर किसी हार्मोनल मेडिसिन के बिना, विदाउट इवन प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट के बिना, विद आयुर्वेदा आप एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो एंडोमेट्रियोसिस के साथ। तो बस निराश नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेंटेन रखना है, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है ताकि और ज्यादा इश्यूज ना आए, और उसके बाद आयुर्वेदा में आप संपर्क करें। तो आयुर्वेदा के थ्रू आप विद एंडोमेट्रियोसिस ऑल्सो सबकी बातें इग्नोर करके, चाहे डॉक्टर ने बोला IVF के बिना नहीं होगा, रेडियोलॉजिस्ट ने बोला नहीं होगा, आप सब इग्नोर करके टोटल फेथ के साथ आयुर्वेदा को अपनाएंगे तो आपको नेचुरल कंसीव जरूर होता है। निश्चिंत रहिए, और ऐसी किसी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। रुक्मणी, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के लिए कोई आपका मैसेज? एक बार आशा आयुर्वेदा से जरूर आए, जरूर आए। अगर आप बहुत ज्यादा निराश है अपने रिजल्ट्स को देख के, अपनी बीमारी को लेके, तो आपको आना जरूर चाहिए। तो एंडोमेट्रियोसिस से घबराएं नहीं, उसको अपनी जिंदगी का एक ऐसा सदमा जैसा ना बनाए, और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं ये विश्वास रखें। आशा आयुर्वेदा में आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।